नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो TG-113 ब्लूटूथ स्पीकर होता है उसका टीयर डाउन हमने कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो मैंने डाला है, तो ऊपर आप कार्ड में देख सकते हैं लिंक है उसका फुल टीयर डाउन का। इस वीडियो में हम इसमें बैटरी को रिप्लेस करने वाले हैं। देख सकते हैं हम एक नया बैटरी लिए हैं मार्केट से, इसका प्राइस 45 रुपये है। इसको हम इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे और इसमें चार्जिंग की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको हम हटाएँगे। इसके लिए हमने एक नया कनेक्टर लिया है, आप देख सकते हैं इसको हम लगाएंगे और जो मदरबोर्ड में हमारे दिया था चार्जिंग पिन उसको हमने निकाल दिया है। तो मदरबोर्ड में इसके आप देख सकते हैं कि ये चार्जिंग जैक था जो कि यहाँ पर लगा हुआ था, ये हिल रहा था बहुत तेज़, तो हमने उसको निकाल दिया है और उसकी जगह पर ये लगाएँगे। और कैसे लगाएँगे वो आपको दिखाएँगे इस वीडियो में पूरा, तो वीडियो में पूरा बने रहेगा ताकि आपको पता चल सके और आप इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। हम बिना देखिए घर में बैठ के इसको रिप्लेस करना आपको सिखा रहे हैं, आप भी सीख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप, ये हमारा बैटरी है। अब इसको हम पहले काट लेंगे क्योंकि इसमें जो पिन लगा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो पिन है हमको इस पिन का काम है क्योंकि इस पिन को हमको इसके स्लॉट में डालना है। तो हम केवल बैटरी को काट के निकालेंगे, बस केवल जहाँ से हमको काम है। एक कैंची लेंगे और यहाँ से देखिए हम इसको काट देंगे। बारी बारी से काटना है, नहीं तो शॉर्ट कट जाएगा। एक साथ काटेंगे तो देखिए एक तार को हमने काट दिया यहाँ पर और एक को काट दिया यहाँ पर। इसको हम निकाल दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको फेंक दे रहे हैं हम। और इसके स्थान पे हमें इसको लगाना है। इसको लगाने के लिए इसमें आप देख सकते हैं इसमें तीन तार है, मार्केट में हमको दो तार वाला नहीं मिला, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट पूरी केबल को बता देते। तो इसके लिए हमको इस तार को काटना है। अब दो ठो, एक कट गया, दोनों कट गया, तीसरा हम क्यों नहीं काट रहे, इसलिए नहीं काट रहे हैं ताकि काट देंगे तो उसको टेप मारना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट कट जाएगा। इसको हम आसानी से उसमें कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। हमको फिलहाल दो तार का काम है। अब देखिए हमने दो तार को ले लिया है, अब इसको हम पहले छील लेंगे और इन दोनों को जो काटे हैं हम इन दोनों को छील के एक में जोड़ देंगे और यहीं से हम चार्जिंग पिन निकालेंगे। देखिए दो तो तार आप ले लीजिए, इतना बड़ा बड़ा आप देख सकते हैं, ब्लैक वाइट, ब्लैक कलर का और रेड कलर का, एक ये प्लस के लिए माइनस के लिए। अब इसको इसमें आपको सोल्ड करना है, एक प्लस है इसका और एक माइनस है इसका। प्लस माइनस कैसे चेक करना है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसके लिए आपको पहले इसको आप अपने चार्जिंग में जो आपका चार्जर होता है उससे कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट हो गया, फिर एक अब बल्ब ले लीजिए चेक करने के लिए। देखिए इसका बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। अब इसको चेक कर लीजिए किस में जल रहा है। देखिए ये वाला तार हमारा प्लस है, मतलब इसमें हमको जो तार है रेड वाला इसमें सोल्ड करना है और ब्लैक वाला इसमें सोल्ड करना है। अब हम आपको सोल्ड करके पहले इसको दिखा दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अपने दांत की मदद से एक को सही कर दिया है और एक को और करना है, इसको भी छीलना है। तो अपने दांत की मदद से इसको भी हम छील लेंगे। ये देसी जुगाड़ है, सबसे सस्ता जुगाड़ है, कोई मशीन की आवश्यकता नहीं इसमें है। देखिए हमने दोनों को छील लिया है जो बैटरी वाला कनेक्टर है। अब इसे हमको बैटरी को जोड़ना है, जो बैटरी का दो तार है इसको भी हमको छील लेना है। अब तो आप देख सकते हैं हमने बैटरी के तार को दोनों छील लिया है, प्लस और माइनस को, और जो हमको एक एक्स्ट्रा तार लगाना है इसको भी हमने दोनों तरफ से छील लिया है। और इसमें से जो बैटरी वाला तार था जिसको हमने काटा था, प्लस माइनस यहाँ पर दोनों हैं, आप इसको देख सकते हैं, प्लस माइनस वाला दोनों, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। अब इन्हीं सभी तारों को हमको बारी आपस में जोड़ लेना है। जैसे प्लस वाले को रेड वाला जितने तार हैं सभी रेड में जोड़ लेंगे। एक बैटरी में देखिए रेड यहाँ पर है, ये देखिए हमको एक्स्ट्रा दिक्कत कर रहा है तो इसको हम काट दे रहे हैं क्योंकि इसका तो कोई काम है नहीं। अब प्लस वाले को प्लस में जोड़ना है हमको। देखिए हमने एक्स्ट्रा तार और बैटरी को एक में जोड़ लिया है और इस रेड वाले को इसमें जोड़ना है, तीनों रेड को एक में जोड़ना है बस केवल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने है, हमने देखिए रेड वाले को रेड में जोड़ दिया है और जितनी ब्लैक थी ब्लैक में जोड़ दिया है। ये दो एक्स्ट्रा तार, ये वाला है रेड ब्लैक, इसमें हमको चार्जिंग कनेक्टर जोड़ना है क्योंकि हमारा मदरबोर्ड में से वो चार्जर ख़राब हो गया है। इसलिए हम जो ये वाला रखे हैं इसको, ये जो है हमको इसी दोनों में जोड़ना है, इसको बाद में जोड़ेंगे। फिलहाल हमने तार देखिए यहाँ पर जोड़ दिए हैं, निकाल दिए हैं, अब इसको हम सोल्डिंग करेंगे। तो
तो आप देख सकते हैं आप, ये तो गलत नहीं है वगैरह। माइनस वाला हमारा सक्सेसफुली हो गया है। सोल्डिंग करने से ये फायदा रहेगा कि ये परमानेंट हो जाएगा, गिरेगा नहीं, गिरेगा तो झटका नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा सोल्डिंग परफेक्टली अच्छी तरीके से हो गया है। अब हमारा बैटरी कनेक्ट हो गया है। अब ये जो दोनों खुला तार है इसमें हमको चार्जिंग कनेक्ट करना है। अब इस बैटरी को अपनी जगह रखना है। स्पीकर देखिए हम जहाँ था उसको वहाँ रख दे रहे हैं पहले, और बैटरी को भी अपनी जगह पे फिक्स कर दे रहे हैं इसको। बैटरी को भी हमने रख दिया है अपने पास। अब हमको क्या करना है, अब इस डिब्बे को बंद करना है और इस वाले हिस्से को लगाना है। तो हमने मदरबोर्ड को पहले नहीं डालना है इसको, पहले हमको ये लगाना है चार्जिंग पिन। इसके लिए हमको इसके स्थान पे छेद करना होगा, होल करना होगा। तो इसके साइज़ के अनुसार हम इसमें होल करेंगे सोल्डरिंग आयरन से। देखिए सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम उसमें छेद कर रहे हैं, और जब अच्छे से हो जाएगा छेद तो इसमें हमको डाल देना है बस। अब हम नाप लेंगे पहले कि इसमें जा रहा है कि नहीं, ये जा नहीं रहा है अभी, हम इसको डाल के आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सोल्डरिंग की मदद से सक्सेसफुली इसमें इसको डाल दिया है, और इधर इसकी जो पिन थी वो निकल गई है, एक प्लस एक माइनस। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसमें मदरबोर्ड को इंसर्ट करना है फिर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको सक्सेसफुली लगा दिया है एक्सटर्नल चार्जिंग पोर्ट। इसको आपको ध्यान केवल यह रखना है कि देखिए सबसे नीचे से आपको होल करना है। हमने थोड़ा ऊपर कर दिया था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, नहीं तो फिर एकदम सही है। हमको इसको फेविक्विक लगा के चिपकाना होगा अभी फिलहाल, लेकिन हमने मदरबोर्ड को सक्सेसफुली लगा दिया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, जितने भी पोर्ट हैं यहाँ पर सभी पोर्ट को बारी बारी से इसमें लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें चार्जिंग पोर्ट को फिक्स कर लिया है, और फेविक्विक की मदद से इसको लस लिया है, एकदम फिक्स कर दिया है ताकि ये हिले डुले ना, क्योंकि हमारा जो जिसमें छेद किए थे वो बड़ा हो गया था। तो इसको हमने फेविक्विक की मदद से फिक्स कर दिया है। इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को अब हम अपने इसमें जो दो तार निकाले हैं उसमें सोल्डिंग करेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं, तो हमारा सोल्डिंग आयरन जो है तैयार है एकदम गर्म होके। अब हम इसको सोल्ड करने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए कैसे सोल्ड करना है। तो दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है सक्सेसफुली सोल्डरिंग हो गया है। इसमें काफ़ी मेहनत लगी हमको सोल्डरिंग करने में, काफ़ी क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जगह पे था। तो दोस्त प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक तो बनता है, तो बिना लाइक के इस वीडियो को मत जाना। और जैसे हमने किया है वैसे ही आपको करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा चालू हो गया है, अब हम इसको पैक करेंगे, इसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये कनेक्ट हो गया है, चालू होगा कि नहीं होगा। तो अब देख सकते हैं, अब हम सभी पोर्ट को आपस में कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब तो बारी बारी से देखिए हम सभी पोर्ट को इंसर्ट कर रहे हैं। बैटरी वाला पोर्ट इंसर्ट हो गया है, और साउंड वाला पोर्ट हमको इंसर्ट करना है। दो साउंड वाला पोर्ट है, देख सकते हैं, एक इधर है और एक उधर है। ये हमारा साउंड वाला पोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको सक्सेसफुली सभी पोर्ट को इंसर्ट कर दिया है, और हम इसको ऑन करेंगे, इसका पावर ऑन कि चेक करेंगे कि क्या हुआ इसका। देखिए हमारा पावर सक्सेसफुली ऑन हो गया है। हम उसको दाब रहे थे लेकिन था ये पावर वाला पोर्ट, इसलिए नहीं चल रहा था, लेकिन अब चालू हो गया है। अब देख सकते हैं एकदम आसानी से हमारा स्पीकर चालू हो गया। अब ब्लूटूथ ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे नाम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए एक पहले पेयर था, इसको अनपेयर कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए अवेलेबल शो कर रहा है। देखिए हमारा कनेक्ट हो गया है, बैटरी फिलहाल डिस्चार्ज है क्योंकि अभी हम नया बैटरी लगाए हैं। आपको कुछ गाना बजा के दिखा दे रहे हैं। बैटरी लो है।
तो आप सुन सकते हैं, इसको हम अब पैक करके तब तो बजाएंगे आपको, दिखाएंगे फिर। फिलहाल बैटरी डिस्चार्ज है, अब इसको हम पैक कर रहे हैं। पैक करने के लिए हमको अब रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए बैटरी को पहले फिक्स कर लीजिए, बैटरी का जो प्लेस है वहाँ पर फिक्स कर लीजिए। ऊपर से हमको ये कवर लगाना है, थोड़ा बैटरी हम नया लगाए हैं तो मतलब बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन देखिए बैठ गया एकदम आराम से। अब हमको सभी इसमें 8 स्क्रू है, 8 स्क्रू को भी टाइट करना है हमको, तब जाके ये हमारा फिट होगा। अब हम 8 स्क्रू को फिट करेंगे। ये हमारा स्क्रू है और इसमें हमारा स्क्रू ड्राइवर नहीं लग रहा था तो हम कील का प्रयोग किए थे। कील की मदद से हमको 8 को कसना है। अब तो हमारे 8 के 8 स्क्रू कस गए हैं। अब हम सभी पोर्ट को दोबारा लगा देंगे, बारी बारी सभी पोर्ट को दोबारा लगा के इस कैप को ढक देंगे, फिर इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। सभी कैप लग गए हैं, इसके बाद हमको इसका कपड़ा पहनाना है, उसके बाद तो ढका जाएगा। आपका मन है कपड़ा बदलना, मतलब चाहे तो इसमें लगा सकते हैं चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि देखिए कपड़ा यहाँ पर सिला गया है बीच में, इसी चीज़ को इसमें एक निशान दिया गया है यहाँ पर, इसी के बीच में ले जाना है तो आराम से बैठेगा। तो देखिए पहले हम इसको सोल्डिंग कर दिए इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब हम इसको देखिए ढक दे रहे हैं पहले, अब इसके बाद हम कपड़ा पहनाएंगे, फिर उसको निकाल के तो कपड़ा बैठाएंगे तो टाइट हो जाएगा वो। अब हम इसका कपड़ा देखिए पहनाएंगे आराम से, वही चीन का आपको ध्यान देना है बस केवल। देखिए हमने आसानी से इसको पहना दिया है कपड़ा इसका। अब इसके पीछे का जो था इसको हम लगा सकते हैं, आगे का भी लगा सकते हैं आसानी से। पीछे हमने इसके स्क्रू पूरा चपका दिया था, अब इसको हमको पूरा उचारना पड़ेगा क्योंकि इसमें 4 स्क्रू हैं, उसको कसना पड़ेगा हमको। अब इसमें हमारा स्क्रू ड्राइवर मदद करेगा कसने के लिए। हम देख सकते हैं कि 4 स्क्रू को हम बारी बारी से कसेंगे, टाइट कसेंगे, मतलब क्योंकि अब इसको दोबारा खोलना तो है नहीं। अब ये हमारा सक्सेसफुली जो चार्जिंग पोर्ट का इसका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। इसके बाद इसके ऊपर का स्टिकर हमको आराम से चिपका देना है उसकी साइज को देखते हुए, ताकि बाहर न निकल पाए। ये लगाने से फ़ायदा रहेगा, ये रबड़ का पैड होता है, गिरता उठता है तो झटका नहीं लगता है, और वैसे भी इसकी बॉडी काफ़ी मजबूत दी गई है, प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है, फेंक देंगे ऊपर से कुछ नहीं होगा। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं, इसके ऊपर का हमको फिर से निकालना पड़ेगा, तो आपको इसी पत्ती को पकड़ कर निकालना है। और इसके बाद सभी जितने मतलब कपड़े इसके बाहर हैं सभी को अंदर की तरफ मोड़ कर उसके बाद हमको अंदर उसको इंसर्ट कर देना है। सभी कपड़े को देखिए बारी बारी से मोड़ रहे हैं। कपड़ा रहेगा तो टाइट हो जाएगा, खुलेगा नहीं, फिर बस ये फ़ायदा है। इसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसमें भी 4 पिन दिया गया है, उसको भी कस देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सक्सेसफुली बैठ गया है। अब इसमें 4 स्क्रू पर स्क्रू है, उसको कसना है हमको, 2 यहाँ है 2 वहाँ है, अब उसको हमको कसना है। तो देख सकते हैं 4 स्क्रू कसा गया है, और इसके ऊपर रबड़ वाली पैड हम लगा देंगे जो इसका बटन वाला है सिस्टम है। इसमें भी गम लगा है, हल्का फुल्का सूख गया है लेकिन फिर भी काम लायक है, अभी तो पूरा लग गया है हमारा। अब हम इसको पहले चार्ज में लगा के देखेंगे कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। अब देख सकते हैं हमारे पास चार्जिंग केबल आ गई है, अब इस चार्जिंग केबल को हम उसमें इंसर्ट करेंगे फिर देखते हैं। तो अब देख सकते हैं हमने इसको लगा दिया और हमने चार्जिंग को डायरेक्ट कर दिया, इसलिए इसमें कोई बल्ब नहीं जलेगा लेकिन चार्ज होगा, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे जब ये पावर ऑन होगा। बैटरी 0% था, चालू इसको चालू करिए पहले।
देखिए हमारा चालू हो गया। अब इसमें चार्जिंग इंडिकेटर नहीं जलेगा क्योंकि हमने बैटरी को चार्जिंग डायरेक्ट कर दिया है, इसलिए वो चार्ज नहीं दिखाएगा। आपका अगर एंड्राइड मोबाइल है तो आप इसमें जब कनेक्ट कराएंगे तो इसमें दिखा देगा। देखिए इसमें फुल बैटरी बता रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, ऊपर बैटरी फुल है। अगर हम चार्जिंग बंद करते हैं तो देखेंगे कम हो जाएगा। तो चार्जिंग बंद किए देखिए, अब आपके सामने है। देखिए जहाँ चार्जिंग हम बंद किए थोड़ा सा केवल चार्जिंग दिखी लिया है उसमें, ऊपर आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल में। अब हम चार्जिंग चालू कर रहे हैं, हम चार्जिंग चालू कर दिए हैं। अब धीरे धीरे बढ़ेगा हमारा चार्जिंग लेवल क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट जोड़ दिया है। चार्जिंग करने से मतलब है हमको अब हम चाँप के चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो ये रहा हमारा TG-113 का फुल टियर डाउन का वीडियो। आप नहीं देखे हैं तो ऊपर कार्ड में लिंक दिया, वहाँ से जाकर देख लीजिए। और चार्जिंग पोर्ट का सोल्यूशन इसका आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई इस वीडियो से रिलेटेड आपका कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।